ये था पूरा शिप था, वो बहुत ही अच्छा था। गाइस आप ये देख सकते हो, ये इसको बोलते हैं चिमनी। जैसे ये है 11 नंबर वाली, देखो गाइस ये क्रेन है। और भाई क्या ही व्यू, वो सुपर क्या आप क्यों क्यों तो यहाँ से है कुछ अपने शिप की स्टार्टिंग। तो यहाँ पे है कुछ ऐसी सीढ़ी, और ये जो सीढ़ी है ना, यहाँ पे देख लो पूरी क्रॉस है खच्चरों के खिलाड़ी। तो और एक उधर शिप है पैसेंजर, और यहाँ से अभी हम ऊपर जाएंगे तो कर देंगे अपना मोबाइल बंद। तो ये हो गया अपना जर्नी स्टार्ट, क्या बोलते निजाम भाई? और ये अपने साथ है जावेद भाई, और और इसी के फोन में आज हम शूट कर रहे हैं, क्योंकि ये हो तो अपने पास जो मोबाइल है भाई, जितना मजाक करना इतना कर लेना, एकदम रोज सब डालूंगा मैं। फिर बाहर आ जाओ भाई, अपने को तो कुछ देखने दो। लाइट किसने बंद कर दिया? ये गलत किया किसी ने भी। चलो, चलो, चलो। और ऐसा कुछ है छोटा सा रूम। जावेद भाई आपके हाथ में जो टॉर्च है ना, उसके दो फायदे बताओ। और एक मरतबा टच करो, और एक बस ये सही है। तो भाई अपने लिए ऐसा ही कुछ करना, जब दिखाना हो कमरा। भाई अभी देखो हम जैसा देख रहे हैं ना, वैसे ही आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जावेद भाई का जो फोन है ना वो थोड़ा अच्छा है, तो अपने को क्या है थोड़ा स्टेबल होने में टाइम लगेगा। अभी आवाज कैसा आ रहा है कैसा नहीं वो पता नहीं भाई, लोग ओरिजिनल आएगा। ओ हो बिल्कुल सही जवाब भाई, उसमें हवा ही नहीं है, लेकिन साले शिप देखने आए फुल एंजॉय करेंगे। और ये है विकलांग वो गए ना विकलांग। ओ लाइट भी है, शाबाश शाबाश भाई, सीधा चले जाओ, सीधा चले जाओ, वहां से सीधा जंप। ओ भाई आज का ब्लॉग पूरा ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि आज हम है ना शिप देखने कम एंजॉय करने के लिए ज्यादा है। साइकिल भी बिल्ड क्वालिटी की तो बहुत बात की जाए तो बहुत ही अच्छी है। और भाई लोग आज हम कितने ब्लॉग बनाने वाले हमको पता नहीं है। तो यहाँ से कुछ दिखता है नीचे का व्यू, वो भाई भटके हाथ में आती है, वो देखो 8 नंबर जावेद भाई का शिप, वो ये वाला यस। और इसमें क्लियरिटी बहुत ही अच्छी है। तो आज का अपना इंट्रो स्टार्ट किया जाए तो यो यो गाइस व्हाट्स अप, वेलकम मरीन टू रोड राइडर्स। तो कैसी अपनी मरीन फैमिली ये देखो, चेहरे पे मैंने लगा दिए बड़े बाल करने, तो हेयर बेल्ट क्या बात कर रहा है। और निजाम भाई को ये साइकिल आ गई है पसंद, तो यहाँ से है बहुत ही अच्छा व्यू। भाई लोग फुल सपोर्ट करो, फुल सपोर्ट, आई नीड टू सपोर्ट। तो अभी हम आप लोगों को रूम वगैरह सब कुछ दिखाएंगे ना, तो उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि भाई क्या क्या है, क्या आप लोगों को कुछ लेना। ओ स्टार क्रूज का लिखा हुआ है, लोगो है। और ये देखो अब यहाँ से जितनी दूर तक आपकी नजर जा रही है उधर तक है रूम, इधर है सोफा बेड। और रुको निजाम भाई को ढूंढना है ग्लव्स, भाई इधर आ जाओ, इधर मिल गए ग्लव्स, वेस्टेज। और ये है पूरा रूम का व्यू, यहाँ पे है टीवी, और यहाँ से है कुछ ऐसा व्यू। और इसका भाई गद्दा देख लो, किसी को भी गद्दा चाहिए तो आप लोगों को मिल जाएगा, कमेंट करो, कांटेक्ट करो, अपना नंबर भी है। और आई एम जंपिंग झपाक, जंपिंग झपाक नहीं चाहिए भाई, नए पुराने। और यहाँ पे है लेकिन अभी इसकी बहुत अच्छा सर्व टेबल, वाव ये सही है भाई, सुपर।
सर क्या अच्छा अच्छा चीज है यार, बैग। ये वो बैग है, क्या बोलते हैं, डिलीवरी बॉय का। जावेद भाई आज ये तो मजा आने वाला है शिप देखने में, क्योंकि वो उतल पातल करते रहते हैं। भाई अपने लिए तो ले लो, डिलीवरी बॉय थोड़ी बनना उसका। नहीं तो? टिश्यू। टिश्यू नहीं चाहिए, ग्लव चाहिए। ग्लव क्या करोगे भाई। और यहाँ से है सारा सब कुछ कमरे। और वाओ ये गाइस, हाँ शिप के ऊपर एक सेक्सी चीज मिली है जो आपको लास्ट में बताया जाएगा। वाह वाह ये बात हमको बहुत अच्छी लगी। ट्विस्ट है, ट्विस्ट ट्विस्ट, ट्विस्ट। कहानी में कुछ ट्विस्ट है। तो ऐसा कुछ है कमरा, 0.5 कर दूं क्या। तो ये देख सकते हो, वो भाई लोग अपना इंतजार नहीं करेंगे भाई। और यहाँ पे है कुछ ऐसा कमरा, और ये है हम। ये देख लो 0.1। ओके कैसे लग रहे हैं भाई लोग, ये देखो अब सही लग रहे ना। तो ये है जावेद भाई का 1+ फोन। तो ये देखो, ये देखो भाई, बहुत सारे ऐसे कमरे हैं। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा कमरे कैसे दिखाऊंगा, नहीं ज़्यादा सब कमरे नहीं दिखाऊंगा मैं। 10। ओ ये है आप लोगों के लिए सोफा कम बेड। तो इधर आप देख सकते हो, ये है सोफा कम बेड। तो इसका केबिन किसके पास जाएगा वो मैं पता कर लूँगा। आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मेरा कॉन्टेक्ट करना, मैं ट्राई करूँगा। पक्का नहीं बता रहा हूँ, मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को मैं ये सब सामान दिलवा दूँ। और हाँ 24G का जो शिप है ये है 11 नंबर का, और 24G का जो शिप है। सब कमरे सेम है इसलिए सबसे पहले ऊपर जाते हैं ताकि टाइम बचे। ओके ओके। तो अभी मैं ये बता रहा था कि जो 24G का जो कमरा है, अरे सॉरी कमरा नहीं शिप, तो उसका जो केबिन है वो अपने बहुत ही अच्छे पहचान वालों ने ही लिया है। तो आप लोगों को उसमें से कुछ भी चाहिए, केबिन में से मतलब, सॉरी केबिन मतलब ऐसा फर्नीचर वगैरह, ये जो सब फर्नीचर वगैरह है, तो उसमें से आप लोगों को कुछ भी चाहिए तो मैं आपको दिलवा दूंगा, क्योंकि अपने पहचान वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा है देखो, टेबल बैठने के लिए। और यहाँ से अभी करते हैं बंद और आगे मिलते हैं, क्योंकि सब रूम एक जैसे ही है। फिर आप बोलोगे भाई आप नहीं नहीं, नहीं। भाई आप एडिटिंग करवाओगे हमारे पास। अरे जावेद भाई आज बहुत एडिटिंग करवाएंगे अपने को, कटिंग फुटिंग ज़्यादा करवाएंगे अपने को, रखना है एकदम रो। तो भाई किसी को ऐसे बेड चाहिए थे, बेड ये टू ऊपर नीचे वाले मतलब, अपर डाउन, अपर डाउन, ये सही समझे। और इधर है ये, समझ गए। तो ऐसा है कुछ लुक शिप का जो कि है। और ये रूम नंबर देखो, भी मुझे पता है कैसे आएगा कैसा नहीं भाई, कुछ भी पता नहीं, आवाज कैसा आएगा कैसा नहीं। और वो लोग देखो इधर तक है, वो कहाँ तक भाग गए यार। तो चलो आप बोलोगे कि यार बार बार आप है ना बताते रहते हो, कुछ काम नहीं करते, लेकिन अपने साथ है ना निजाम भाई साथ में नहीं घूमते, नीचे से बोलते हाँ भाई हम साथ रहेंगे साथ रहेंगे, फिर ऊपर आके साथ छोड़ देते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाने के चक्कर में लेट हो जाता हूँ। और यहाँ पे है कुछ कैलकुलेटर, ये देखो भाई कैलकुलेटर। और जावेद भाई का फोन भाई सीरियसली सही में अच्छा है, ये बता दो क्या है। सॉप, सही समझा ना। ऊपर का व्यू चला जाएगा। अरे नहीं कुछ नहीं जाने देंगे, ऊपर जाएगी तो फिर मजा। ये आपको नहीं पता क्या, बस ये तुम लोग को ऊपर भेजा जाएगा। और ऐसे इधर कुछ देख लो, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता, यहाँ से ये है 4th फ्लोर। और भाई सी बंद होता है तो वैसा ही दिखता है, क्यों सब लोग अलग अलग साइड से जा रहे। तो ये देख लो अब ऐसे सब फ्लोर है। या ब्रो उस दिस 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 के है
और ऐसा है कुछ कमरा, और यहाँ से है ऐसी सारी सीढ़ी और ऐसा सब है, और इधर लिफ्ट भी है, ये लिफ्ट है। तो अभी हम चलते हैं क्योंकि ऊपर, वरना ये लोग कहाँ छोड़ के चले जाएंगे, मैं इधर गिर जाऊँगा तो अपने को पता नहीं है। और मुझे जैसा दिखेगा वैसा ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये देखो आ गए ऊपर, कितने में मंजिल पे वो नहीं पता। वाव, यहाँ से है एक और शिप और वहाँ पे दूसरा। अरे एकदम सही में, ये देखो क्लियरिटी देखो ना भाई, ये देखो वो भी दिखा दी। ये है 24 जी का भाई, ये जो देख रहे हो ना, ये है 24 जी का, वो देखने हम जाएंगे बहुत जल्द। वो भी बहुत समंदर में है, ऐसे किनारे पे लगने दो, ऐसे इस तरह किनारे पे लगने दो, हम 110% जाएंगे। अब ये दो तीन लोग है ना अपना फ़ोन छीन लेंगे, क्योंकि जावेद भाई का है ना, अब उन लोगों को खींचना है फोटो। ये 15 वाली की है भाई। हाँ 15 वाली, वो देखो सेम टू सेम जिस पे अपने लोग खड़े ना, वो जहाँ भी सेम टू सेम। हाँ उस पे जाएंगे। हाँ कब? और ये जावेद खरीदने वाला है, जावेद तू ये खरीदेगा ना? कोई नहीं जावेद भाई, तुम इसका कीमत है 70 करोड़ रुपया। 70 बस इसका भी वही 70 है बीच में। हम जो जीप पे खड़े वो वाला करोड़ में तेरा घर जाएगा। 7080 करोड़ साला, एक फिल्म उतारूंगा ना भाई, इतना पैसा तो आसानी से आ जाएगा। ये सब लोगों को खींचना है फोटो। हेलो गाइस, अपने पैसेंजर शिप पे हमें, लेकिन आपको इसके साथ में एक और शिप दिखाना चाहते हैं जो मेरे एग्जिट सामने है, वो ऑयल के काम में आता है। देखो भाई ये जो शिप दिख रही है आपको, मैं जूम कर देता हूँ, ये जो शिप दिख रही है वो ऑयल क्रूड के काम में आता है। जैसे दरिया के बीच में अगर ऑयल है तो उसके हिसाब से उसको निकाला जाता है। ये शिप है, अब ये एक्सपायर हो गई इसलिए टूटने आ गया है। तो अभी हमारे साथ है जावेद भाई, तो इसको जावेद भाई को शिप के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। तो ये जो है इधर, ये जो शिप इधर दिख, ये जो इधर आप लोगों को शिप दिख रही है वो जावेद भाई के प्लॉट की ही है, और ये पैसेंजर शिप है जो कि हम देखने नहीं जा पाए थे। तो अभी हम जावेद भाई के साथ आ चुके हैं 11 नंबर वाली शिप पे। तो अभी इधर हम अच्छे अच्छे फोटो खींचेंगे आपके लिए, अच्छा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग बनाएंगे, और हमारे जावेद भाई है बहुत ही अच्छे कैमरामैन, हमने बहुत अच्छी अच्छी इधर फोटो खींची है। अभी और 3 जहाज है अलग में पैसेंजर शिप, वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, इसके बहुत सारे पार्ट भी बनाएंगे। तो आप लोगों को इधर से ये शिप में से कुछ भी शिप का सामान चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये जो शिप है 120 नंबर में जैसी स्टार क्रूज थी वैसी ही शिप है। तो इसका जो शिप का जो ड्राफ्ट था वो बहुत ही अच्छा था, इसलिए ये एकदम किनारे तक एक ट्राई में आ चुकी है। और आप लोगों को इधर जो दूसरी शिप दिख रही है उसका ड्राफ्ट इधर पानी का सही नहीं था, तो बहुत जल्द इधर किनारे तक नहीं आ पाई है, तो इसका टाइम लगेगा बहुत ही ज़्यादा। तो अभी उसको लग जाएगा 1-1.5 महीने। तो अब ये तो बहुत जल्द आ गई है, तो अपने नसीब भी अच्छे, अपने को बहुत जल्द देखने को मिली है। तो उसका क्या होगा, कब आएगा, उसका कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन देगी अपने जावेद भाई।